साथियों, जंगली कुत्ते इधर आ रहे हैं। वो हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि वो हमें हरा देंगे। हम सबको मिलकर उनके हमले को नाकाम करना है। ये लड़ाई झुंड की रक्षा के लिए होगी। हमें कुत्तों को हमेशा के लिए यहाँ से भगाना होगा। ध्यान से सुनो, अकड़ू पहली टुकड़ी का नेतृत्व करेगा और पकड़ू दूसरी का। अकड़ू पकड़ू, जाओ तैयारी करो, आगे बढ़ो, चलो चलो। चाकू काफी तेज है मोगली, क्या सचमुच में लड़ाई होने वाली है? लगता तो ऐसा ही है पप्पू, इसलिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लड़ाई से डर लगता है। लड़ाई से तो डरना ही चाहिए पप्पू, लेकिन हम भी क्या करें, अगर हमने उन्हें नहीं हराया तो जंगल पे कब्जा कर लेंगे। सचमुच कब्जा कर लेंगे मोगली, फिर तो मैं भी लड़ाई करूँगा। नहीं नहीं, धीरज रखो, तुम बहुत बहादुर हो पप्पू, लेकिन जंगली कुत्तों के मुकाबले में बहुत छोटे हो। लेकिन मोगली, जैसा सब कहते हैं कि कुत्ते इस तरफ आएंगे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनके आने से पहले तुम्हें चले जाना चाहिए। नहीं नहीं पप्पू, उनके आने तक मुझे यहीं रुकना है। माँ ने जो योजना बनाई है, मेरा यहाँ रहना उसी का एक हिस्सा है। जंगल काफी शांत दिखता है ना भालू? लेकिन भेड़िए जरूर यहीं छिपे होंगे, कहीं लेटकर इंतजार कर रहे होंगे ताकि जंगली कुत्तों को पकड़ सके। क्या भेड़िए जीत जाएंगे बघेरा? हाँ जरूर जीतेंगे भालू, चमेली उनके साथ है। वो अंधेरा होने तक किनारे पर उनका इंतजार करेगी, उसके बाद हमला करेगी। बहुत समझदार है वो। उसे समझदार होना ही चाहिए बघेरा, क्योंकि जंगली कुत्ते पक्के बदमाश हैं। काश हम चमेली की थोड़ी बहुत मदद कर पाते। मुझे बड़ी खुशी होती भालू अगर जंगली कुत्तों का सामना हमसे होता, लेकिन चमेली कह चुकी है कि लड़ाई हम उन पर छोड़ दें। हमें उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत चिंतित हूँ भालू। बघेरा, हमें उसके आसपास ही रहना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है। अगर कहीं बात बिगड़ती दिखाई दे तो हम जल्दी उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा विचार है भालू, मानना पड़ेगा तुम काफी समझदार हो, लेकिन मुझसे कम। अपनी जबान को लगाम दो वरना बुड्ढे खूसट मैं तुम्हें मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, अब ये हंसने का समय नहीं। आज रात हमारे जंगल के भाग्य का फैसला होने वाला है। जंगली कुत्ते, मोगली को बताना चाहिए। जंगली कुत्ते ज्यादा दूर नहीं मोगली। कितनी दूर?
मेरे ख्याल से वो एक घंटे में यहाँ तक पहुँच जाएंगे मोगली। वो गिनती में 100 से भी ज्यादा होंगे। 100 से भी ज्यादा होंगे? तुम्हें भाग जाना चाहिए मोगली, अभी तुम्हारे पास काफी समय है। चिंता मत करो चील, मुझे कुछ नहीं होगा। सूरज ढलने तक मुझे कुत्तों को यहीं उलझाए रखना है। सूरज ढलने तक? हाँ चील, जब सारी मधुमक्खियाँ अपने छत्तों तक पहुँच जाएं, ये माँ की योजना है। अब सारी बात तुम्हारी समझ में आ गई? माँ ने कहा था मुझे यहाँ ठहरने के लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ। जल्दी आ गए। हाँ, आओ आओ, तुम जंगली कुत्ते हो ना? बिल्कुल ठीक, और ये हमारा इलाका है। तुम्हारा इलाका? मेरे ख्याल से तुम कुछ भूल रहे हो। ये इलाका हम भेड़ियों का है, तुम जबरदस्ती यहाँ घुस रहे हो। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये इलाका हम बहुत समय पहले जीत चुके हैं। तुम चाहो तो अभी जाकर अपने नेता से पूछ सकते हो। जाओ। जाऊं? क्यों जाऊं मैं? तो हम भेजते हैं तुम्हें। अच्छा होगा तुम यहाँ से चुपचाप वापिस चले जाओ। ये धमकी किसी और को देना लड़के, हम तुमसे डरने वाले नहीं। ये कोहरी धमकी नहीं, हमारे साथी तैयार हैं। तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, पर तुम्हारी इच्छा है तो बचोगे नहीं। अब अच्छे बच्चों की तरह वापस चले जाओ। हा? 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 साथियों, इस बदमाश को चारों तरफ से घेर लो। बहुत हो चुका साथियों, पकड़ लो इसे, चाहे कितना भी समय लग जाए। अभी बहुत समय है, हम इसे बताएंगे कि हमारी बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। सारा जंगल पत्थर कांप उठेगा। हम तुम्हें बताएंगे। शाम हो गई। कान खोल कर सुन लो जंगली कुत्तों, तुम्हारी ये लंबी चौड़ी फौज हमारे सामने एक पल भी नहीं टिक सकेगी। अब चुपचाप हार मान लो वरना वापस चले जाओ। मानने मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मैं तुमसे और बातें करता, लेकिन मुझे अब जाना है। फिर मिलेंगे। क्या तुम मुझे पकड़ लोगे? जरा फिर सोचो। आओ आओ, पकड़ो कायरो गुस्सिलो, आओ पकड़ो पकड़ो। Thank you.
आगे बढ़ो। और तेज साथियों, ये अभी पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा इसे। योजना कामयाब रही। क्या हुआ? देखो, मेरी बात सुनो, अगर इनसे बचना चाहते हो तो नदी में कूद जाओ। ठीक है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ठीक कहते हो, चलो चलो बैठो। Thank you.
उनके दिमाग में और शैतानी लगती है। हमारे कुछ साथी पहली बार जंगली कुत्तों का मुकाबला कर रहे हैं। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो सब ठीक ठाक हों। मुझे यकीन है जीत हमारी ही होगी, आखिर चमेली हमारी नेता है। चुप रहो, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो वरना बच्चे डर जाएंगे। कुत्ते भागो भागो, वो आ रहे हैं। ठहरो, इससे आगे मत बढ़ना। शुक्रिया, तुम्हें उन कुत्तों के बारे में कैसे पता चल गया? ये बताने का समय नहीं, वो देखो। चुकी है, हमने दोबारा अपने जंगल को बचा लिया है, अब हम सब शांति से रहेंगे।